नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल दिन मंगलवार। खबर को बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर हाई कोर्ट सख्त। भगवान हनुमान का जन्मोत्सव आज। बिहार में 4000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी बहाली। रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए बिहार के खिलाड़ियों का चयन। ट्रेन के टॉयलेट में गंदगी दिखने पर यहां करें शिकायत। आईपीएल 2024 में आज सीएसके और एलएसजी का मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए इंडियन पोस्ट में निकली भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय डाक की तरफ से स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं पास किया हो। साथ ही उम्मीदवारों के पास हल्के या भारी वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस और छोटी मोटी कमियों को दूर करने की जानकारी भी होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन तरीके से लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 मई है। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन दस्तावेज के साथ प्रबंधक मेल मोटर सेवा बैंगलोर 5600001 के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर हाई कोर्ट सख्त। पटना हाई कोर्ट में 2 दशकों से लंबित निचली अदालतों के मामलों की गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा कौशिक रंजन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। इसमें याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि बड़ी संख्या में प्रदेश में मामले लंबित पड़े हुए हैं। ऐसे में कैदियों को कानूनी सहायता की जरूरी जानकारी और ट्रेनिंग देने की कार्रवाई शीघ्र शुरू करने की संभावना है। अधिवक्ता ने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि कई मामले काफी पुराने हैं। इस मामले में अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई की जाएगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मनोज वाजपेयी के बारे में। मनोज वाजपेयी एक जाने माने बॉलीवुड अभिनेता हैं। इनका जन्म 23 अप्रैल वर्ष 1969 में बिहार के नरकटियागंज पश्चिम चंपारण में हुआ था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत शेखर कपूर की निर्देशित फिल्म बैंडिट क्वीन से शुरू की थी। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई थी। इन्होंने अपनी पहचान राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से बनाई थी। इसके बाद इन्होंने कई धमाकेदार फिल्म और वेब सीरीज में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसमें सत्यमेव जयते, अय्यारी, ट्रैफिक, जय हिंद, सत्याग्रह स्पेशल, 26, गैंग्स ऑफ वासेपुर आदि शामिल हैं। इन्हें इनके अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसमें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शामिल है। भगवान हनुमान का जन्मोत्सव आज। भगवान हनुमान की जयंती को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज हनुमान जयंती है। पुराणों के मुताबिक भगवान हनुमान राम भगवान के परम भक्त थे। इससे जुड़ी हुई कई कथाएं काफी प्रचलित हैं। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जयंती के दिन उपासना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन विशेष पूजा का प्रावधान है। इसके जरिए ग्रहों को भी शांत किया जाता है। हनुमान जयंती भक्तों के लिए कई मायनों में खास होती है। इस दिन खास संयोग बन रहे हैं। हनुमान जयंती मंगलवार के दिन है। इसके अलावा हनुमान जयंती चित्रा नक्षत्र और वज्र योग का संयोग बन रहा है। बिहार के 12 शहरों में नागरिक सुविधाओं पर होगा काम। बिहार के 12 शहरों में विकास कार्य किए जाएंगे, साथ ही नागरिक सुविधाओं पर भी काम किया जाएगा। भागलपुर, बगहा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सोनपुर, हिलसा, शिवहर, सिवान, मधुबनी, बक्सर, बेतिया और बारसोई में काम किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने में इन कार्यों को स्वीकृति मिली थी, लेकिन अब इन विकास योजनाओं पर स्थानीय स्तर पर कार्य शुरू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव को लेकर फिलहाल कार्य की रफ्तार कुछ धीमी है, लेकिन माना जा रहा है कि इस काम में जून से कुछ तेजी होगी। इन योजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद इन शहरों में छोटी सड़कें, पुल, पुलिया आदि का निर्माण किया जाएगा। कार के शीशों में सनशेड लगाने पर भी कट सकता है चालान। लोगों के द्वारा धूप से बचने के लिए कई बार कार के शीशों में शेड लगाया जाता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मालूम हो कि मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत किसी भी वाहन की खिड़कियों में कम से कम 50% की पारदर्शिता होनी जरूरी है। सामने की तरफ कम से कम 70% पारदर्शिता होनी जरूरी है। गाड़ी के अंदर ऐसी किसी चीज का उपयोग नहीं किया जा सकता जिससे गाड़ी के अंदर ही दृष्टि बाधित हो। वहीं अगर किसी के द्वारा नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जुर्माने की वसूली भी की जा सकती है। बीपीएससी पेपर लीक कांड में मध्य प्रदेश से गिरफ्तार
आरोपितों की कोर्ट में हुई पेशी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार पांचों आरोपितों की आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। मालूम हो कि उज्जैन से महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी पांच आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। ये पेपर लीक मामले के बाद से फरार चल रहे थे। बिहार पुलिस ने उज्जैन पुलिस की मदद से इन्हें गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि इस मामले में झारखंड के हजारीबाग से करीब 270 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें सॉल्वर गैंग के सदस्य शामिल थे। व्हाट्सएप में फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को ढूंढना होगा आसान। व्हाट्सएप में फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को ढूंढना अब आसान होने वाला है। मेटा के द्वारा जल्द ही चैट्स में फेवरेट कॉन्टैक्ट का टैब लाया जा रहा है। इसकी मदद से आप जिन लोगों से अधिक बातें करते हैं उन्हें आसानी से ढूंढ सकेंगे। व्हाट्सएप की ओर से यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में ये चैटिंग ऐप अब नए फीचर पर काम में लगा हुआ है। इस अपडेट की मदद से आप व्हाट्सएप के स्टेटस अपडेट पर आसानी से जवाब दे सकेंगे। चैटिंग के लिए पसंदीदा ग्रुप और लोगों का भी चयन किया जा सके। सबसे अधिक मैसेज करने वाले लोगों को आप एक लिस्ट में रख सकेंगे। व्हाट्सएप में आपका पसंदीदा फीचर कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे रानीगंज वृक्ष वाटिका के बारे में। यह स्थान बिहार के अररिया जिले में मुख्यालय से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। रानीगंज वृक्ष वाटिका बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित वन भूमि में से एक है। इस क्षेत्र को पहले हसनपुर बालू धीमा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ प्राकृतिक वन क्षेत्र करीब 289 एकड़ में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को पर्यटकों को लुभाने के लिहाज से भी तैयार किया गया है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थान सबसे मनोरम पर्यटन स्थल में से एक साबित हो सकता है। यदि आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहां आ सकते हैं। बाढ़ प्रभावित सड़कों की ड्रोन से होगी निगरानी। बिहार में बाढ़ से प्रभावित सड़कों की ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने के लिए उनकी ड्रोन से वीडियोग्राफी की जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। विभाग की योजना बाढ़ के बाद तुरंत ही ग्रामीण सड़कों को आवागमन के लायक बना दिया जाए, इसके लिए तैयारी की जा रही है। शीघ्र मरम्मत के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इससे आम लोगों के सड़कों पर आवागमन में आसानी होगी और उन्हें कहीं भी जाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मालूम हो कि हर साल बाढ़ के दौरान करीब 4 से 6 हजार ग्रामीण सड़कों पर पानी आने की समस्या हो जाती है। इससे सड़क क्षतिग्रस्त होती है। ट्रेन की टॉयलेट में गंदगी दिखने पर यहां करें शिकायत। ट्रेन में हर दिन लाखों लोग सफर तय करते हैं। ये सफर का सबसे आसान तरीका भी है, लेकिन कई बार ट्रेन के टॉयलेट काफी गंदे होते हैं। ऐसा सफर करने वाले कुछ यात्रियों के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन कई घंटों तक इन टॉयलेटों की सफाई नहीं की जाती। ऐसा होने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसकी शिकायत करने के लिए आपको रेल ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप के माध्यम से आप टॉयलेट का गंदा होने की शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद अगले 10 से 15 मिनट में आप तक मदद पहुंच जाएगी। बिहार में 4000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी बहाली। बिहार में 4108 असिस्टेंट प्रोफेसर की जल्द बहाली होगी। मई के महीने में इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 4108 नियुक्ति में 755 बैकलॉग रिक्तियां हैं। अलग अलग विषयों में हजारों शिक्षकों की कॉलेजों में भर्ती ली जाएगी। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का बिहार में रास्ता साफ हो चुका है। प्रदेश में आज का मौसम रहेगा शुष्क। राजधानी पटना समेत पूरा बिहार प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर लू जैसी स्थिति बनी हुई है। कई जगहों का तो तापमान 42 डिग्री के पार भी देखा गया है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश में दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिले में उष्ण दिवस को लेकर चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने की बात कही गई है। पटना आरा सासाराम फोरलेन एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य होगा शुरू। पटना आरा सासाराम फोरलेन एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार इसी साल से इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस एक्सप्रेसवे आरा के गुनवा पररी रामतारी कायम नगर भोजपुर के बामपाली असनी गर्नी रोहतास जिले के उदवंत नगर तरारी गंगौली पटना के अखौरी गोला सुआरा होते हुए सासाराम तक पहुंचेगा। इस सड़क के निर्माण कार्य के बाद आरा भोजपुर और पटना के लोगों को काफी फायदा पहुंचने वाला है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए वाराणसी प्रयागराज और लखनऊ दिल्ली से लोगों को सीधे कनेक्टिविटी मिल जाएगी।
फिलहाल पटना से सासाराम पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस सड़क के निर्माण के बाद मात्र 2.5 से 3 घंटे में ये सफर तय हो सकेगा। महिला अपराध की शिकायत के लिए डायल करें ये नंबर। महिला अपराध की शिकायत के लिए 112 नंबर को डायल किया जा सकता है। बिहार पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इससे संबंधित जानकारी साझा की गई है। इसके अनुसार महिला अपराध से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 112 डायल करें या नजदीकी थाने के महिला हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। मालूम हो कि महिला अपराध की सुनवाई को लेकर कार्रवाई महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जाती है। ऐसा महिलाओं की सुविधा के लिए किया जाता है। महिलाओं के द्वारा घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों की शिकायत भी की जा सकती है। रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए बिहार के खिलाड़ियों का चयन। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय स्कूली अंडर 19 रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए बिहार के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में इस खेल का आयोजन होगा। इसके लिए बिहार के 12 बालिका खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसमें सिवान की 2 बालिका खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसके अलावा भागलपुर के 4 खिलाड़ियों का भी चयन हुआ है। सुपौल के भी एक खिलाड़ी का इस प्रतियोगिता में चयन हुआ है। पुणे में आज और कल स्कूल स्तर पर रग्बी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें बिहार की टीम भी हिस्सा ले रही है। मुंगेर में ललन सिंह के लिए पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे चुनाव प्रसार। मुंगेर के साफियाबाद स्थित हवाई अड्डे में 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करेंगे। यहां वो ललन सिंह के समर्थन में वोट अपील करेंगे। इसके लिए हवाई अड्डे में तैयारी की जा रही है। बताया जाता है कि पीएम के कार्यक्रम को लेकर मुंगेर में भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता क्षेत्र भ्रमण करेंगे, साथ ही रैली भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लोगों के घर घर जाएंगे और लोगों से जनसभा में शामिल होने के लिए आग्रह करेंगे। जानकारी के अनुसार इससे पहले साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंगेर आए थे, वहीं अब 26 अप्रैल को पीएम मुंगेर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को दिया जवाब, कहा सुभाष चंद्र बोस थे 14 भाई बहन। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब दिया है। दरअसल कटिहार में जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव और राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्या कोई इतना बच्चा पैदा करता है। इस पर तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं और उनका सम्मान रहेगा। वे स्वयं 5 भाई बहन हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के 14 भाई बहन थे। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर खुद 14 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 भाई बहन हैं। विपक्ष पर सम्राट चौधरी ने बोला हमला। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है। साथ ही विपक्ष के गठबंधन के खिलाफ एक आरोप पत्र भी जारी किया है। इसमें कांग्रेस और राजद पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये नकली राष्ट्रवाद है। ये भारत को श्रेष्ठ करने के लिए नहीं बल्कि भारत को तोड़ने वाला एक संगठन है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 55 सालों तक राज किया है, साथ ही घोटाला भी किया है। इनके अलावा आरजेडी सरकार में भी घोटाले किए गए हैं। आज लालू प्रसाद यादव का जीवन सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार के लिए समर्पित है। ओवैसी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जाति जनगणना हुई और उसमें मुस्लिम 17% है। यहां सबसे कम मुसलमानों को नौकरी दी गई है, जबकि ब्राह्मण और यादवों को काफी अधिक नौकरी दी गई है। वहीं मुसलमानों की आबादी उनसे काफी कम है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। आईपीएल 2024 में आज सीएसके और एलएसजी का मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज सीएसके और एलएसजी के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच शुक्रवार को मैच हुआ था। इसमें सीएसके को हार का सामना करना पड़ा था। पॉइंट टेबल पर भी सीएसके को इस कारण से नुकसान झेलनी पड़ी थी। ये चौथे पायदान पर खिसक गई थी। आपको बता दें कि सीएसके ने 7 मुकाबले खेले हैं, इसमें से 4 में जीत हासिल की है, जबकि 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एलएसजी ने 7 मुकाबले में 4 में जीत और 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए दोनों टीमों के बीच होने वाला आज का मुकाबला काफी खास होने वाला है। आपके अनुसार सीएसके इस बार आईपीएल का ट्रॉफी अपने नाम करेगा या नहीं, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख।
23 अप्रैल वर्ष 1858 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के हीरो जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1987 में उच्चतम न्यायालय ने विधवाओं को संपत्ति में हिस्से का निर्णय दिया था। आज के दिन वर्ष 1992 में भारत के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में से एक सत्यजीत राय का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 2002 में पेइचिंग में भारत और चीन के बीच सीमा पार आतंकवाद पर वार्ता हुई थी। आज के दिन वर्ष 2008 में क्षेत्रीय अनुसंधान और विश्लेषण केंद्र लखनऊ को केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मान्यता दी थी। आज के दिन राज्यपाल राजेंद्र आडलेकर का वर्ष 1954 में जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1858 में पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था। ये एक प्रख्यात भारतीय विदुषी महिला और समाज सुधारक थी। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। नीति ज्ञान फॉर यू नाम के एक यूट्यूब चैनल द्वारा दावा किया जा रहा है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत युवाओं को 1 से 3 हजार रुपए दिए जाएंगे, जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। यूट्यूब द्वारा दावा किया जा रहा है कि योजना पूरी तरह से फर्जी है। इस फर्जी खबर को पीआईबी ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा 6 साल बाद होगी ऑफलाइन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यूजीसी नेट जून 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वेबसाइट https://ugcnet.nta.ac.in/ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 10 मई तक आवेदन फॉर्म को भरा जा सकता है। वहीं इस बार ऑफलाइन यानी पेन पेपर मोड में 16 जून को परीक्षा होने वाले हैं। 11 से लेकर 12 मई तक परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जमा किया जा सकता है। आवेदन में सुधार की तारीख 13 से 15 मई तक संभव है। परीक्षा में 3 दिन पहले एडमिट कार्ड की घोषणा की जाएगी। मालूम हो कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1150 रुपए है, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 325 रुपए है। मुकेश सहनी ने भाजपा और पीएम मोदी पर बोला हमला। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने लोगों से केंद्र की मोदी सरकार को बदलने का आह्वान किया है। साथ ही कहा है कि जनता से झूठ बोलने वाली सरकार आम जनता का भला नहीं कर सकती। मालूम हो कि बीते दिन मुकेश सहनी ने बांका और पूर्णिया में राजद प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग प्रति महीने 5 किलो अनाज देने का ढिंढोरा पीट कर इसे विकास से जोड़कर बताते रहे हैं। ये हास्यपद है कि 10 साल तक सत्ता में रहने वाली सरकार 5 किलो अनाज की बात कर रही है। पहले की सरकार ने भी राशन देने का काम किया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 17 अप्रैल, ऑप्शन बी है 19 अप्रैल, ऑप्शन सी है 18 अप्रैल, ऑप्शन डी है 22 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 19 अप्रैल। हाल ही में किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है दीपिका सोरेंग, ऑप्शन बी है अमनप्रीत, ऑप्शन सी है नीता अंबानी, ऑप्शन डी है अमिताभ घोष। इसका सही उत्तर है दीपिका सोरेंग। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है दूसरे, ऑप्शन बी है पहले, ऑप्शन सी है तीसरे, ऑप्शन डी है पांचवे। इसका सही उत्तर है तीसरे। बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया था? ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है 1947। इसका सही उत्तर है 1936। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बख्तियार खिलजी ने। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें के नाम है विकास दास, रंजीत मिश्रा, नुन्नू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, राकेश मिश्रा, राजकिशोर महतो, पंकज कुमार दास, जितेंद्र कुमार सैनी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, विक्रम यादव, गोनर शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आप अपने क्षेत्र में सांसद बनते हैं तो आप कौन सा काम सबसे पहले करवाएंगे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।